परिवार के विनाश का कारण बन सकती हैं ऐसी परछाइयां। इन्हें नजरअंदाज करना बड़ी भूल। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत उस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को सहज और संतुष्टिदायक बना सकता है। अगर जरूरत है तो उन उपायों का सही तरीके से अपने जीवन में अनुकरण करने की। दिशाओं पर आधारित वास्तुशास्त्र कहता है कि घर की कोई दिशा या कोना गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो यहाँ वह रहने वाले लोगों के लिए संकट का कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्र के जरिए जीवन की समस्या को दूर किया जा सकता है। अगर इसके सिद्धांत को इग्नोर किया जाए तो यह स्वयं परेशानियों और विपदाओं का कारण बन सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत छाया वेद का जिक्र मिलता है जिसमें कई तरह के वेद बताए गए हैं, जैसे स्तंभ वेद, वृक्ष वेद आदि। इन्हीं में से एक है छाया वेद। छाया वेद अर्थात घर पर पड़ने वाली छाया के किसी प्रकार का वास्तु दोष निर्मित होना। यह छाया दोष अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। ज्योतिष को छाया को राहु और केतु माना गया है। छाया वेद के कारण परिवार में रहने वाले सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं। कभी कभी यह रोग घातक भी होते हैं, जैसे मंदबुद्धि, हृदय रोग, लकवा आदि गंभीर रोग हो सकते हैं। छाया वेद के कारण ग्रहपति का विनाश हो सकता है या सभी तरह की उन्नति रुक सकती है। छाया वेद को एक बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। यह दोष सफलताओं में बड़ी बाधा बनकर सामने आता है। क्या है छाया वेद, आइए जानते हैं। हालांकि कम समय के लिए या आधी छाया पड़ना वास्तु दोष के दायरे में नहीं आता, लेकिन लगातार 6 घंटे या उससे ज्यादा देर तक आपके घर पर कुछ विशेष प्रकार की छाया या परछाई पड़ना छाया वेद के नाम से जाना जाता है। यह देखना जरूरी है कि घर पर उसकी छाया पड़ रही है और किस दिशा से किस प्रहर में छाया होती है, उसी से लाभ या नुकसान का पता चलता है। यह छाया मंदिर, पेड़, पहाड़, ध्वज, मकान आदि की हो सकती है। यदि 10 से 3 के बजे बीच किसी मंदिर, नकारात्मक वृक्ष, ध्वज, अन्य ऊंचा भवन, पहाड़, स्तूप, खंभे आदि की छाया पड़े तो इसे छाया वेद कहते हैं। छाया 2 प्रहर से ज्यादा लगभग 6 घंटे मकान पर पड़ती है तो वास्तु दोष में उसे छाया वेद कहते हैं। अतः सभी प्रकार के वेद जानकर ही ग्रह निर्माण करें। छाया वेद मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, मंदिर, वृक्ष, पर्वत, भवन और ध्वज। मंदिर छाया वेद। वास्तु दोष के अनुसार मंदिर से 100 फीट के अंदर जितने भी घर बने हुए हैं सभी छाया वेद के दायरे में आते हैं, परंतु मंदिर की ऊंचाई कम है, उस पर लगे ध्वज की परछाई आपके घर तक नहीं पहुंचती तो यह दोष कट जाता है। मंदिर छाया वेद। घर पर किसी मंदिर की छाया पड़ना भी एक वास्तु दोष माना जाता है, लेकिन तब जब यह छाया सुबह 10 से दोपहर 3 के बीच पड़ती है। यह दोष ग्रह क्लेश का कारण बनता है। इसके प्रभाव से परिवार जन आपस में प्रेम पूर्वक नहीं रह पाते। इसके अलावा बिजनेस या जॉब में हानि और विवाह में देरी में इसका प्रभाव है। पर्वत छाया वेद। यदि आपके घर के पास पहाड़, पहाड़ी या कोई टीला है जिसकी छाया आपके भवन पर पड़ रही है तो यह देखना भी होगा कि किस दिशा से पड़ रही है। किसी भी भवन के पूर्व दिशा में स्थित पर्वत की छाया मकान पर पड़ना ही पर्वत छाया वेद कहलाएगा, बाकी दिशाओं का कोई असर नहीं होता। पर्वत छाया वेद के कारण मुख्य रूप से प्रगति में रुकावट आती है और लोकप्रियता घटती है। घर, ऑफिस या दुकान पर किसी बड़ी बिल्डिंग या पर्वत पहाड़ की छाया अगर पड़ती है तो यह एक बड़े वास्तु दोष का कारण बनती है। इससे उस घर में रह रहे लोगों का मान सम्मान कम होता है और हर काम में बाधा आने लगती है। भवन छाया वेद। यदि आपके घर में कोई दूसरा बड़ा मकान है तो उसकी छाया आपके मकान पर रहेगी, लेकिन इसमें दिशा का ज्ञान होना भी जरूरी है। मकान की छाया यदि आसपास किसी बोरिंग या कुएं पर पड़ती है तो उसको छाया वेद कहा जाता है। इस प्रकार के वेद के कारण धनहानि होती है। यह भी कहा जाता है कि एक घर से दूसरे घर में वेद छाया वेद पड़ने पर ग्रहपति का विनाश होता है। वृक्ष छाया वेद। वास्तुशास्त्र के अनुसार
अगर आपके घर पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक यदि किसी वृक्ष से छाया मकान पर पड़ती है तो ही नुकसानदायक होती है। इसमें भी दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। इस वेद में उन्नति रुक जाती है। घर की आग्नेय दिशा में वट, पीपल, सेमल, पाकर तथा गुलर का वृक्ष होने से पीड़ा और मृत्यु होती है। नकारात्मक वृक्षों की छाया से रोग और शोक निर्मित होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोचक भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।